हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ बिगनर्स के लिए। अगर आप निटिंग सीख रहे हैं तो देखिए ये छोटा सा इसमें एक लेसन है। जब आप सारी जो है स्वेटर वगैरह सारे पार्ट्स जो हैं वो बना लेते हैं तो एंड में जो स्टिचिंग का काम रह जाता है वो कैसे करना है, तो बाकी पार्ट्स जो है हम सिंपल स्टिचिंग से जोड़ सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए कई बार क्या होता है, जब हम भी निटिंग शुरू हमने करी थी काफ़ी साल पहले, तो जो बाजू होते हैं उन्हें स्टिच करने का मेथड पता नहीं होता, तो वो हम जैसे भी स्टिच कर देते थे और बाद में जब हम फ्रंट साइड से देखते थे तो बिल्कुल क्लियर नहीं आता था। तो देखिए बिगनर्स के लिए ये वीडियो जो है थोड़ी सी हेल्प करेगी कि हमें जो बाजू हैं वो स्वेटर्स के साथ किस तरह से स्टिच करने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक जो है प्रोजेक्ट स्वेटर का बनाया हुआ है, तो इसमें जो ये बाजू हैं ये मैंने तैयार कर ली हैं और ये इसकी फ्रंट साइड है, इसको स्टिच करा हुआ है, उसकी जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की साइड है, इस तरह से कर लिया है। और ये जो है बाकी बीच वाला पोर्शन है स्वेटर का, और ये जो है ये रॉन्ग साइड मैंने बाहर की तरफ रखी हुई है, और यहाँ पे मेरी स्टिचिंग ये वाला पार्ट स्टिच करते हुए ये धागा बच गया है, इसमें मैंने सुई लगा ली है। अब देखिए हम जब बाजू को स्टिच करेंगे तो जो ये धागा है इसे भी हम इस धागे के साथ गांठ लगाकर जोड़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम ये बाजू जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से तो ये हमने, ये देखिए दोनों के फ्रंट पोर्शन जो है वो एक साथ दिखाई देंगे और ये इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से हम बाजू को डाल लेंगे और यहाँ पे देखिए दोनों जो यहाँ पे स्टिचिंग करके जो धागे दोनों के बचते हैं उन्हें हमने इस तरह से पक्की गांठ लगा के यहाँ पे एक दूसरे के साथ बांध देना है इस तरह से। अब देखिए अगर आपका स्टिचिंग के बाद धागा नहीं बचता है तो आप अलग से एक धागा जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पे नया धागा। उसके बाद देखिए हम ये वाला एंड पकड़ लेंगे और इस वाले एंड को हम ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे उंगली डाल के। तो ये जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसके बाद ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर आ जाएंगे। ये देखिए ये पार्ट मैंने ऐसे पकड़ा, ये ऐसे और स्ट्रेच कर लिया, तो अब ये हमारे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो अब पहले हम ये वाला पार्ट कर लेंगे सिलाई। तो इसके लिए हम ये पार्ट जो है पक्का पकड़ लेंगे और फिर ये जो है बराबर बराबर इसे एक दूसरे के साथ रख लेंगे दोनों पार्ट्स को, बाजू के और स्वेटर के बीच के पोर्शन इस तरह से। तो जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए तो वहाँ पे आप इसे खींच के जो है बराबर कर सकते हैं ऐसे। और देखिए अब हमने क्या करना है, सिलाई करना शुरू करना है। तो ये किस तरह से करना है देखिए, अब देखिए हमने क्या करना है, जो ये एक एक स्टिच होते हैं उसके नीचे से सुई डालनी है ऐसे, और फिर यहीं पर हम इस तरह से निकाल देंगे ऐसे। फिर देखिए हमने सुई अब आगे नहीं डालनी है, अब हम थोड़ा सा पीछे डालेंगे इस तरह से ऐसे, और फिर हम आगे निकालेंगे ऐसे। ये फिर पीछे से इस तरह से डालेंगे और थोड़े से आगे से निकालेंगे ऐसे, बस ऐसे ही हमने रिपीट करते जाना है। जो हमारा इस तरह से सिलाई करके ये हमने यहाँ से इस तरह से सुई को निकालते जाना है, और बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है, और फिर उसके पीछे से इस तरह से सुई डालते जाना है, और फिर इस तरह से हमने पूरी की पूरी जो है बाजू को जोड़ते जाना है ये ऐसे।
तो देखिए पहले हमने ये इस तरह से जो है यहाँ तक हमने जहाँ पे पक्का इसको पकड़ा हुआ था यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे और फिर बाकी हम इस तरह से इस साइड से जो है यहाँ तक सिलाई करके यहाँ पे गांठ लगा लेंगे और धागा जो है सुई धागा जो है यहाँ से एक्स्ट्रा जो है काट लेंगे। तो अब हम ये दोनों बाजू जो है इस तरह से जोड़ लेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, देखिए इस तरह से जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा ये पार्ट जो है श्रिंक होता है, तो जब आप स्वेटर और बाजू बनाते हैं तो उसमें 4 से 6 सिलाइयाँ जो हैं या आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा बनाना चाहते हैं 7 से 8 या 8 से 10 सिलाइयाँ जो हैं अपनी एक्स्ट्रा बना लीजिए, ताकि जब हम ये सिलाई करें तो आपका ये पोर्शन जो है टाइट ना बने और आप इजीली कंफर्टेबली इसे पहन सकें स्वेटर को। तो अब मैं ये दोनों बाजू जो है इसी तरीके से जोड़ लूँगी यहाँ तक और यहाँ पे बांध के गांठ लगा लूँगी, फिर मैं बाद में बताऊँगी आपको फ्रंट पोर्शन से ये कैसे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों बाजू जो है मैंने वो जोड़ ली हैं और ये देखिए ये वाली बाजू इस तरह से दिखाई देगी। देखिए इस तरह से जोड़ने पर देखिए आपको बिल्कुल भी रफनेस नज़र नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ये स्टिच हो जाएगा। ये देखिए ये दूसरी वाली बाजू है, ये इस तरह से देखिए। तो आप भी इसी तरह से जोड़ लीजिए और ये वाली वीडियो जो है वो स्पेशली जो बिगनर्स के लिए बनाई है मैंने, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे, हमारी भी जो स्टिचिंग थी वो शुरू में हमें नहीं पता चलता था किस तरह से करना है। उस टाइम पर तो YouTube भी नहीं था हेल्प करने के लिए और ख़ुद जब हम करते थे तो नहीं पता चलता था। तो ये वाली वीडियो जो है आज की ये बिगनर्स को काफ़ी हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्यूचर में भी हम इसी तरह से बेसिक्स भी लेके आएंगे और नई नई चीज़ें भी लेके आएंगे नीडल्स और धागे की हेल्प से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।